मान रही। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से है, मोटिवेशन का सबक है हमारा हिस्ट्री में। मोटिवेशन में हमारा टॉपिक है लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम अक्सर अवकात ये बात सुनते हैं, कहते हैं कि तारीख से हमें सबक सीखना चाहिए, मगर हमारे पास कुछ हवाला जात कम होते हैं। तो मोटिवेशन में हमें ये सीखना चाहिए कि तारीख में जो कुछ हुआ तो हम मुस्तकबिल में वो न करें। तो उसके लिए पहली कोटेशन है, कोटेशन अबू तालिब, राइटर हैं, 1350 की शख्सियत है, तो अरब हैं, इराक़ के राइटर हैं। तो उनकी एक कोटेशन है हिस्ट्री के हवाले से, कहते हैं कि अगर आप माजी को पिस्तौल का निशाना बनाएंगे तो मुस्तकबिल आपको तोप का निशाना बनाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, माजी पर नज़र रखनी चाहिए। तो उसके लिए किताब है, ट्वाइन बी राइटर है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उनकी 12 वॉल्यूम्स पर किताब है। 12 वॉल्यूम में उन्होंने हिस्ट्री की किताब लिखी है, रिसर्च की है, आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की तारीख है। इसी किताब को कोट डॉक्टर मुबारक अली साहब ने किया है, तारीख की सोच में भी उन्होंने हवाला दिया है। तो 12 वॉल्यूम में दुनिया में उन्होंने रिसर्च की है, प्रोफेसर रिसर्चर है और तहकीक निगार हैं। 200 से ज़ायद उन्होंने किताब कहते हैं लिखी है, जो मार्केट में 100 से ज़ायद मौजूद हैं। 12 वॉल्यूम की बहुत शोहर आफाक इनकी किताब है ट्वाइन बी। तो ट्वाइन बी कहते हैं कि जब कौमें अपने उरूज को पहुंचती हैं तो अपनी सल्तनत के जोम में इतनी आती हैं कि अपने नीचे जो उनकी कौमें होती हैं उनको अखलाक से पस और गिरा हुआ गर्दानती हैं और उन्हें इस तरह महसूस करवाती हैं कि जैसे उरूज याफ्ता कौमें ही महजब हों और बाकी दूसरी कौमें महजब पन से आ रही हों। तो इस तरह कहते हैं, तारीख में बहुत सी मिसाल हैं, मगर सबसे पहले मिसाल रोमन एम्पायर की देते हैं। कहते हैं कि रोमन एम्पायर ने जितनी उरूज और सल्तनत देखी तो शायद ही दुनिया में कोई उसकी मिसाल हो, मगर उसका रिव्यू और उसका शार्ट रिव्यू मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि कहूँ कि रोमन एम्पायर ने सबसे पहले एक कौम से लड़ाई की थी और वो थी फोने की कौम। उनका कैपिटल अहले कार्थेज कहलाते थे, कार्थेज उनका कैपिटल सिटी था। तो हैनिबाल एक बहुत बड़े कमांडर हैं, मशहूर शख्सियत है, उस पर फ्री होकर कभी और बात करेंगे। तो उनके साथ रोमन जो जनरल थे स्कोपियो थे। तो स्कोपियो ने ऐलान किया फोनिको को कि हम आपके शहर पर धावा बोल देंगे। अब फोनिको कौम जो थी वो तजारती थी और वो तजारत करती थी और पूरे दुनिया में उनकी तजारत बहुत मशहूर थी, लड़ाका कौम नहीं थे। तो जैसे ही उन पर धावा बोल दिया तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि हम अहले तजारत के लोग हैं, अहले कार्थेज हैं, हम आपके डोमिनेंसी में आते हैं, आप जिस तरह शर्तें रखेंगे तो हम उसके लिए पूरी करेंगे। तो अखराज उनका हुआ। तो अब कहते हैं कि ये लड़ाई जामा के नाम से थे 202 क़िबले मसीह में हुई है, मगर स्कोपियो इतने जनरल थे वो कह रहे थे कि हम आपसे अखराज नहीं लेंगे, हम आपका जवाल देखना चाहते हैं, क्योंकि सल्तनत पूरी दुनिया में सिर्फ रोमन एम्पायर होनी चाहिए। तो कुछ अरसे तक अखराज लेते रहे, मगर उन्होंने फिर शरायत रखना शुरू कर दी। तो फोनिको कौम ने वो भी मानना शुरू की। नंबर पहली शर्त क्या थी कि आपके फोनिको कौम में जितने भी नौजवान हैं वो हमारे हवाले कर दें। तो फोनिको कौम ने अहले कार्थेज ने सारे नौजवान उनके हवाले कर दिए। उसके बाद दूसरी शर्त ये रखी कि आपके जितने भी हथियार हैं फोनिको कौम के वो रोमन एम्पायर को दिए जाएँ। तो वो सारे हथियार भी दिए जाए, मगर अहले कार्थेज जो थे उन्हें कार्थेज से बहुत उनसियत थी और तिजारत का बहुत बड़ा मरकज था। उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि आप कार्थेज को खाली कर दें। अब यहाँ फोनिको कौम की अना को ठेस पहुँची। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर अपनी शरात को गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अब रोमन एम्पायर से जंग लड़ेंगे। चूँकि रोमन एम्पायर अपने जोम में थी, अहले कार्थेज का बहुत बड़ा इंटर का दरवाज़ा था, एंट्रेंस का, वो बंद कर दिया। अब देखें कौमें किस तरह अपने आप को बचाती हैं। कहते हैं 24 घंटे दिन रात उन्होंने हथियार बनाना शुरू किए। हर घर से कहते हैं अपने सारे बर्तन लोगों ने निकाल लिए और कहा हथियार बनाने वालों के कि आप हथियार बनाएं। औरतों ने इतना सेक्रीफाइस किया कि उनके जितने लंबे बाल थे उन्होंने कटवा के अहले कार्थेज को दिए कि आप इनसे रस्सियाँ बनाएं, ये जंग में काम आ जाएंगी। और बहुत सी हिकमत अमली के साथ, मगर रोमन सल्तनत इतनी थी, ये 30,000 की फौज थी हैनिबाल की, वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकी और कार्थेज का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और उन्हें शहर खाली करने पर मजबूर किया गया। अब कहते हैं कि उनकी पूरी तिजारत ख़त्म हो गई, फोनी की कौम जवाल में आ गई और एक गुमनाम। उसके बाद ट्वाइन भी कहते हैं
کہ روم سلطنت مشرق و مغرب سے اتنی وسیع ہو گئی کہ پوری دنیا میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ مگر کہتے ہیں آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہی وسعت جو انہوں نے کی تھی، یہی سلطنت جو پوری دنیا میں انہوں نے قائم کی تھی، وہی ان کے زوال کا سبب بنا۔ اس کے بعد 410 عیسوی میں جرمن امپائر نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رومن امپائر کو تحس نحس کر دیا اور وہ ایک گمنامی کی حیثیت میں۔ کہتے ہیں کہ جب ٹوائنبی نے 1921 میں روم جا کر وینس کے شہر پر ریسرچ کی تو کہتے ہیں وینس شہر کی دو چیزیں بڑی دنیا میں مشہور تھی، ایک تجارت تھی جس پر شیکسپیئر نے مرچنٹ آف وینس بھی لکھا، دوسرے محلات تھے اور بہت بڑے وسیع عروج کی حویلیاں تھیں جو کھنڈر بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں کہتے ہیں ٹوائنبی نے کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ قومیں جتنے بھی اپنے عروج پہ جاتی ہیں ان کا زوال اس طرح ہوتا ہے اور اتنا دردناک ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ ترکی کی سلطنت ہے، نہ عربوں کی سلطنت ہے، نہ مغلوں کی سلطنت ہے، نہ رومن امپائر ہے، سب کو زوال ہے۔ جتنے زوم میں جتنی قومیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زوال میں آتے ہیں۔ بہت اچھی کوٹیشن بتاتے ہیں ٹوائنبی، کہتے ہیں کہ جب زاما کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پولیبیس ایک رائٹر تھے اور اسکوپیو بڑے زوم کے ساتھ تباہ شدہ سینکڑوں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تو وہ اس وقت ہومر کی ایلیڈ کی ایک نظم ہے اپنے فخری انداز میں گنگنا رہا تھا جس طرح گیت گنگناتے ہیں۔ تو پولیبیس رائٹر نے اسے کہا تھا کہ اسکوپیو اپنے عروج اور زوم کو اتنا مت دیکھو، قوموں کے زوال پر اتنا خوش مت ہو، ایک دن آئے گا کہ روم جل جائے گا، روم ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی پولیبیس کی پیشن گوئی سہی گئی اور روم سلطنت ٹوٹ گئی۔ کہنے کا مقصد دو چیزیں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک چیز جب کسی بھی قوم افراد کے انا پر ٹھیس پہنچتی ہے تو فونوں کی قوم کی طرح وہ لڑتی ہے، اس کے بعد عروج جس کو بھی جتنا ہوتا ہے جب بھی وہ تکبر میں آتی ہے، زوم میں آتی ہے، زوال میں جاتی ہے۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تاریخ سے سبق سیکھیے اور